अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? आज अंदर पहले इससे पहले कि कोई बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए, अंदर आइए। हाँ जी हाँ जी, ये स्कूटी नहीं, ये स्कूटी आप बाहर लॉक करके रखो ना। कहाँ लॉक करूँ? क्या मतलब कहाँ लॉक करो? कहाँ लॉक करूँ? इसको लॉक करके स्टोर में रखें। चल इसको लॉक कैसे करूं? कैसे करते हैं इसको? कैसे लॉक करो आप बताएं, आप बताएं कैसे करते हैं। मैं तो अंदर रखती हूं, आता कि कोई लेना लो। और यू आ रही है आज? सारा सेकंड क्लास में चली गई है ना, क्लास नंबर 2 आज से। कैसी रही है? ग्रेट। ओ वाओ, टीचर कौन है? सेम सेम एज लास्ट ईयर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू जिंदगी दुनिया। कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक ठाक हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू जिंदगी दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कल जो है फजर आई है रात को आइसलैंड से, अकेले आई है। शी ट्रैवल्ड ऑल अलोन, ऑल बाय हरसेल्फ। उसके साथ हेल्प थी जो जिन्होंने एयरपोर्ट पर उसको हेल्प की चेक इन कर, यानी कि बोर्डिंग क्लियर करवाने में, सिक्योरिटी क्लियर करवाने में, और फिर वापसी जब यहाँ लैंड हुई है तो बैग लेने में, ऑल दैट उसके साथ हेल्पर था। बट यस ऑब्वियसली फिर भी एक क्या कहते हैं उसको, एक हिम्मत चाहिए होती है ये भी करने के लिए। तो फाइनली शी हैज़ डन इट, प्राउड ऑफ हर। एनीवेज तो वो एक्चुअली हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों की डिफरेंट एयरलाइंस थी। मैं डिफरेंट एयरलाइन से फ्लाई कर रही थी, वो डिफरेंट एयरलाइन से फ्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से हम लोग साथ नहीं आ सकते थे। वरना मोस्ट लाइकली अगर सेम एयरलाइन से फ्लाई कर रहे होते तो साथ ही आते। एनीवेज आज से जो है दोनों के स्कूल शुरू हो चुके। मेरे स्कूल जो है थर्सडे से शुरू होंगे, बट यस इन दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये सिक्स में, सारा ये सेकेंड में। वाह वाह वाह, किड्स आर ग्रोइंग गाइस, किड्स आर ग्रोइंग। कैसा रहा आपका पहला दिन है न्यू क्लास? है सेम टीचर कि डिफरेंट? सेम क्लास, चेंज क्लासरूम भी चेंज नहीं हुआ? सारा आपका आपका क्लासरूम चेंज हुआ? मेरा क्लासरूम चेंज हुआ लेकिन क्लास नहीं चेंज। क्लास के बच्चे सेम ऑब्वियसली। गर्मी से धूप से तंग आके जो है मेरी ये वाली गुड़िया जो है यहाँ पे सो रही है पौधों के पास, क्योंकि बहुत 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 गर्मी है। ऐसे ऐसे ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, है ना? हाँ, एक 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 गंदी बच्ची है ओरियो यहाँ पे, और एक गंदी बच्ची वो है वहाँ पे सुशी, और ट्विंकल पता नहीं कहाँ भाग गई है। कल मैंने बनाया था चिकन, तो आज मैंने जो है उसमें आलू डाल दिए, तो आलू चिकन का जो है सालन हो गया है। और यहाँ पे जो है बन रहे हैं चावल। वैसे शुक्र है आते ही साथ मेरी क्लासेस नहीं है। मेरी क्लासेस जो है जो मेरा से शुरू होंगी, तो मेरे पास ये बीच के जो तीन दिन है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये तीनों दिन जो है ना घर का थोड़ा सिस्टम, क्योंकि मैं 2 हफ्ते नहीं थी और यहाँ अकेला था, तो ऑब्वियसली अकेला मर्द जो है उस तरह से नहीं संभालता है घर को जैसे एक औरत कर सकती है। तो ऑब्वियसली ग्रोसरीज और क्लीनिंग और फिर अनपैकिंग, फजर की अनपैकिंग, ये सब चीज़ें जो है ना वो थोड़ा एक मुझे टाइम मिल गया है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो आई एम सो रिलैक्स, मैं आपको बता, क्योंकि मेरे जो पाँव है ना ट्रिप के बाद से, वो जो वोल्केनो ट्रिप है ना, माउंटेन हाइक वोल्केनो ट्रिप, उसके बाद से जो है मेरे दोनों पैरों में स्वेलिंग हुई भी है। आज फिर थोड़ी बेहतर है स्वेलिंग, लेकिन अभी भी काफ़ी स्वेलिंग है, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एकदम से कर भी नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए थैंक गॉड, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो क्लासेस हैं वो जुमेरात से शुरू हो रही हैं, ना कि आती क्लासेस शुरू हो गई। जैसे बच्चों की तो आती शुरू होगी क्योंकि उनका तो लास्ट वीक पिछले हफ्ते से पीर से स्कूल खुला हुआ है, तो ये लोग एक हफ्ता लेट गई हैं, एक हफ्ता इन्होंने छुट्टियाँ, इनकी छुट्टियाँ ली थी मैंने। लेकिन थैंक गॉड मेरी जो है क्लासेस जुमेरात से शुरू हो रही हैं, ताकि आती जो है मैं थोड़ा अपने आप को भी रिलैक्स कर पाऊँ, स्वेलिंग भी, ताकि पहले पैरों की कम हो, और जो घर के ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ें हैं, सिस्टम में जो एक रूटीन को लाना है, मैं वो कर पाऊँ। ये टांगे अपनी अलमारी में चलें, मैंने इन लड़कियों से काम करवा रही हूँ ताकि अपने कपड़े जो है ना खुद अलमारी में रखें ना, मैं नहीं करूँगी। गो, बैग खाली हो गया आपका? जो लाई है एक्सटेंशन से सूटकेस, हाँ जी खाली कर दिया। खाली तो फिर ये इसको वहाँ यहाँ रखे ऊपर लाके, ये लो रखे,
टांगे, अच्छा टांगे। इट इज द नेक्स्ट डे और आज सुबह जब मैं यहाँ को छोड़ने जा रही हूँ और सारा को मैं ड्रॉप करूँगी क्योंकि गाड़ी की जरूरत है मुझे बाद में, तो इसलिए जो है यहाँ की गाड़ी नहीं लेके रहेंगे, बट मेरी क्लासेस कल शुरू हुई आज से नहीं। चाहे पीछे की बैठो पीछे, बच्चों को उनके स्कूल ड्रॉप करके या उसके काम पे ड्रॉप करके अब मैं यहाँ आई हूँ पेट शॉप। मुझे यहाँ से जो है बिल्लियों का खाना लेना है और उनका लिटर लेना है, फिर उसके बाद आगे जाना है डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये काम तो हो गया, मुझे जाना है डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। एक्चुअली मेरे जो पाँव, मैंने आप लोगों को बताया था कल, के काफ़ी स्वॉलन हो गए हैं आफ्टर दिस माउंटेन हाइक स्पेशली। हालांकि उससे पहले भी मैं माउंटेन हाइक पे गई थी सारा के साथ, तब मैं काफ़ी बेहतर थी अपने पैरों में, लेकिन उसके अगले दिन जब मैं दोबारा गई हूँ तो शायद कुछ ज़्यादा हो गया है या मुझे कुछ थोड़ी फिजियोथेरेपी जरूरत है, आई डोंट नो। तो अच्छी बात है कि चेक करा लूँ, क्योंकि जुम्मे फ्राइडे को गई थी मैम वोल्केनो हाइक के लिए, तो उसके बाद से नॉन स्टॉप मेरे पैरों में अभी स्वेलिंग है। 6-5 दिन हो गए हैं इस बात को, तो काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन कम, बहुत स्लो हल्की हो रही है मेरे जो स्वेलिंग है, तो मैंने सोचा कि चेक करवा लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि लाइक बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो बस इसलिए जो है मैं चेक करवा रही हूँ, नथिंग मेजर सीरियस, सो आई जस्ट गॉट होम लाइक आधा घंटा पहले, और मैं आके सबसे पहले फ्रेशन अप हुई हूँ क्योंकि मैं सुबह की उठ के जो है 7 बजे की उठ के मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं फ्रेशन अप हो रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं पहले उन लोगों को छोड़ के आई जो बाहर के काम तो करके मैं ज़रा फ्रेशन अप हुई हूँ। एंड यस, डॉक्टर ने कहा है कि स्वेलिंग जो है ऑब्वियसली हाइकिंग की वजह से है, और नॉट जस्ट हाइकिंग, उसके बाद ट्रैवल। फ्राइडे को हमने हाइकिंग किया, वापस आए हैं, और सैटरडे फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे जो है मेरा पैकिंग में और इस सब में गुजर गया, यानी कि जो रेस्ट करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई। तो उसके बाद सडन जो है ट्रैवलिंग था, तो उसमें भी कितना चलना फिरना था, उसके बाद घर आके भी जो है आप देख ही सकते हो उतना उस समय से रिलैक्स नहीं हो पाया, घर के काम है, बच्चे हैं, ये सब थे, तो उस वजह से जो है। और फिर एक और चीज़, जहाँ पर जो इतनी गर्मी है, आइसलैंड में जो है सिर्फ 13 डिग्रीज था, बिटवीन 11 एंड 13, बल्कि बिटवीन 10 एंड 13, तो यहाँ पे जो है 30 था, तो इट्स लाइक ट्रिपल जो है मौसम, गर्मी ट्रिपल हो गई, तो जिसकी वजह से वो भी एक फैक्ट है कि मेरी जो स्वेलिंग है अब तक नहीं जा रही। तो दे सेड के टेक अनदर वीक, डॉक्टर ने कहा कि एक और हफ्ता जो है लगेगा, और टेक इट स्लो, ज़्यादा वॉक नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ये करूँ कि मैं ज़्यादा वॉक नहीं करूँ, ये सब चीज़ें, वॉक तो करनी पड़ेगी, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। और एक और मुझे एंटीबायोटिक्स भी दिए, उसका रीज़न जो है वो ये मेरा पाँव का टो है, ये देखिए मैं इसमें कितनी स्वेलिंग हुई है पूरे टो में, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कहीं पर जो है ना इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पर अंदर हाइकिंग करते हुए कोई चोट लगी होगी जिसकी वजह से जो है यहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे अब एंटीबायोटिक्स लेनी है इसके लिए फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। सो या That's the story and that's the update. तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe to Thanaki Duniya. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive and do whatever you want to do. Do positively because there's already too much negativity in this world. So let's spread some positivity together. वैसे तो बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, और शायद अगर आप लोग जो है देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पे क्या हो रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बात बारे में बात कर रही हूँ। सो आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स एनीवेज। सो या, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।